हाय गाइस, तो अगर आपने भी अपने पैसे ऑनलाइन फ्रॉड या फिर साइबर स्कैम में कहीं ना कहीं गवा दिए हैं और उन पैसों को आप रिकवर करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपने पैसे ऑनलाइन फ्रॉड या फिर साइबर स्कैम में कहीं गवा दिए हैं तो उन पैसों को आप लोग किस तरीके से रिकवर कर सकते हो। इस वीडियो में जो स्टेप जो मेथड मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उनको सही से फॉलो करते हो तो यहाँ पे आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाए, बिकॉज इसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज बना के डाली हैं जिससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है और बहुत सारे लोगों के पैसे वापस आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ अवेयरनेस के लिए, बिकॉज ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अगर उनके पास ये वीडियो रहेगी तो उनसे उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, डिजिटल वर्ल्ड के बढ़ते टाइम में ऑनलाइन फ्रॉड होना एक आम सी बात हो गई है। आप लोग अपने आसपास में देखते होंगे रोज किसी न किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। अगर वहीं 2022 की बात की जाए तो अब तक 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे ठगों द्वारा निकाले गए हैं ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड या फिर साइबर स्कैम हो जाता है तो उसको किस तरीके से आप लोग डील कर सकते हो और कैसे अपना पैसा वापस पा सकते हो, बिकॉज अगर आप सभी स्टेप को सही से फॉलो करोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका पैसा आपको रिकवर हो जाए। तो अगर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड या फिर साइबर स्कैम होता है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप लोगों को बैंक में कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवानी चाहिए और साथ में सभी ट्रांजेक्शन को ब्लॉक करवाना चाहिए, चाहे वो IMPS हो, डेबिट कार्ड का ट्रांजेक्शन हो, क्रेडिट कार्ड का ट्रांजेक्शन, मतलब UPI, सब कुछ बंद करवा देना है ताकि स्कैमर आपके अकाउंट से और पैसा ना निकाल सके। तो स्टेप टू, आप लोगों को क्या करना है? अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड या फिर साइबर स्कैम होता है तो आप लोगों को 1930 यानी कि साइबर क्राइम की हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाना है। अब कई लोग क्या करते हैं, 1930 पे कॉल तो करते हैं बट अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर भी करवाते हैं, बट वहाँ पे प्रॉपर डिटेल ना देने के कारण आपकी कंप्लेंट को ड्राफ्ट में डाल दिया जाता है और आपको SMS किया जाता है कि प्लीज़ अपनी जो बाकी बची हुई डिटेल है उन्हें फिल करके हमें बता दीजिए। अब लोगों को क्या लगता है कि हमारी कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है, लोग उसको वहीं पर छोड़ देते हैं, बट ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि आपकी कंप्लेंट सही तरीके से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आपको 1930 पे कॉल नहीं करना है तो आप लोग साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाके वहाँ पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं करनी है तो इसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन रहता है कि नियर बाय साइबर थाने में जाके आपकी कंप्लेंट रजिस्टर जरूर करवाएं, उसकी कंप्लेंट कॉपी जरूर लें। अब स्टेप थ्री, आप लोगों को क्या फॉलो करना है कि आपको साइबर क्राइम की जो कंप्लेंट कॉपी रहेगी उसको ले जाके अपने बैंक में देना है और एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी है कि आपके अकाउंट के साथ इतना इतना फ्रॉड हुआ, ये ट्रांजेक्शन नंबर है और इस पैसे को प्लीज़ हमें वापस करवाने में हमारी हेल्प कीजिए, और वहाँ पे आपको कंप्लेंट देके उसकी एक अक्नॉलेजमेंट ले लेनी है, मतलब रिसीविंग ले लेनी है। अगर आपको रिसीविंग नहीं देते, बहुत सारे बैंक वाले क्या करते हैं, ठीक है जी हमें कंप्लेंट दे दीजिए हम आगे एक्सपे देख लेंगे जो भी होता है, अगर वो आपको नहीं देते तो फिलहाल आप कुछ भी नहीं कर सकते वहाँ पे, बट वापस आके आप लोगों को बैंक की ईमेल आईडी पर सेम कंसर्न को दोबारा से मेल करना है। इससे क्या रहेगा कि आपने मेल किया उसका एक प्रूफ रहेगा। समटाइम क्या होता है कि बैंक वाले आपकी कंप्लेंट लॉस्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं, बाद में फिर उस पर कोई भी एक्शन नहीं होता, बाद में पता चलता है कि आपने तो कंप्लेंट दी ही नहीं है। तो अगर बैंक से रिसीविंग नहीं मिलती है तो आप लोगों को ईमेल जरूर करनी ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने अपनी कंप्लेंट जरूर रजिस्टर करवाई, और इन सभी प्रोसेस को आप लोगों को 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है। आप कई लोग बोलेंगे कि सर 24 घंटे में तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज कई बार बैंक की हॉलीडे वगैरह होते हैं एक्सेट्रा। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन सबसे अच्छी यही है कि ऑनलाइन कॉल करके आप लोग अपना बैंक अकाउंट ब्लॉक करवा सकते हो, सेकंड ऑनलाइन आप लोग रजिस्टर कंप्लेंट करवा सकते हो, थर्ड अपनी कंप्लेंट को आप लोग ऑनलाइन ही ईमेल पे कर सकते हो जिसमें 1 से 2 घंटे लगते हैं, तो 24 घंटे भी बहुत ज़्यादा बताए मैंने। अब 24 घंटे ही मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज तो RBI बोलता है कि आप लोग 3 दिन के अंदर अपनी कंप्लेंट सबमिट करवा सकते हो, बट जो 24 घंटा होता है वो एक गोल्डन पीरियड होता है। गोल्डन पीरियड मतलब अगर उसमें आप लोग कंप्लेंट अपनी सही तरीके से रजिस्टर करवा देते हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अब स्टेप फोर, आप लोगों को क्या करना है? स्टेप फोर में आप लोगों को ये करना है, अगर आपने जो पेमेंट है किसी UPI ऐप से ट्रांसफर की लाइक गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, तो आप लोगों को ये काम करना है कि एक कंप्लेन इनकी UPI ऐप पर भी देनी है। सभी के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है और कई लोगों के तो साइबर सेल के भी डिपार्टमेंट बने हुए हैं, जैसे फ़ोनपे का हो गया, पेटीएम का हो गया, तो इनके साइबर सेल के भी डिपार्टमेंट है, तो इनके साइबर सेल में भी आप कंप्लेंट दो कि हमने इस पर्सन को पेमेंट ट्रांसफर की थी और उसके बाद हमारे साथ स्कैम हो गया, तो वो काफ़ी अच्छे से इस डिटेल को ट्रैक कर सकते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है आपको। कई बार तो यही लोग आपकी पेमेंट को रिवर्ट करवा देते हैं। तो स्टेप फाइव क्या रहेगा? स्टेप फाइव ये रहेगा कि इन सभी प्रोसेस को आप लोगों को 3 दिन के अंदर कंप्लीट करना, बिकॉज RBI कहता है कि अगर आप अपनी कंप्लेंट को 3 दिन के अंदर रजिस्टर करवाते हो सही तरीके से तो आपका पैसा 10 दिन के अंदर आपके पास वापस आ जाएगा। तो अगर आप इस सब प्रोसेस को सही से फॉलो करोगे तो 10 दिन के अंदर आपका जो अमाउंट है या तो वो होल्ड होगा या फिर शेडो अमाउंट में किसी भी तरीके से आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो अगर आप इन सभी स्टेप्स को सही से फॉलो करते हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपका जो पैसा है वो आपको रिफंड मिल जाता है।
अब कई लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, सर हमने सारा प्रोसेस तो सही से फॉलो कर दिया बट स्टिल हमें इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, कोई भी हमें बैंक की तरफ से रिप्लाई नहीं मिला, कुछ भी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिला, कोई भी सिंगल रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। तो उसके पीछे भी रीज़न होता है कि आपकी कंप्लेंट में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है, एवन एक छोटी सी मिस्टेक भी आपकी कंप्लेंट पे एक बैड इम्पैक्ट डालती है। मतलब मान लो आपने ट्रांजेक्शन आईडी की जगह आपने कुछ वहाँ पे पेमेंट आईडी डाल दिया या फिर बैंक अकाउंट नंबर डाल दिया, आपने यूटीआर नंबर में एक दो नंबर की मिस्टेक कर दी, और इस तरीके की छोटी छोटी गलतियाँ भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाती है। बिकॉज अगर एक नंबर की भी मिस्टेक होगी तो वहाँ पे आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज वो नंबर ही गलत होगा तो वो लोग इन्फॉर्मेशन क्या निकालेंगे और उस पर कोई भी रिवर्ट भी नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान देनी है, अगर आप सही तरीके से सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाली हुई है कुछ स्टेप्स की, तो अगर उस पर भी लोगों ने फॉलो किया है तो लोगों को वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। तो होपफुली आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ अवेयरनेस के लिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।